हेलो फ्रेंड्स, मैं कीर्ति अपने चैनल गार्डनिंग विद कीर्ति वर्मा में आप लोग का हार्दिक स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, मैं 2 दिन पहले नर्सरी गई थी तो कुछ विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स मैंने लिए हैं और एक फर्टिलाइज़र भी लिया है फ्रेंड्स, तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूं। उसके पहले देखिए, मेरा कोलियस का प्लांट बहुत अच्छी तरह से इसमें ग्रोथ हो रही है, तो इससे मैंने कटिंग से ग्रो किया है फ्रेंड्स। अभी भी समय है, आप इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ कौन कौन से मैंने विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स लिए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इस पॉलीथीन बैग से निकाल के मैं आप लोग दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये गुलदाउदी के बिना तो आप जानते हैं कि विंटर का गार्डन अधूरा रहता है, और मेरी गोल्ड के बिना भी फ्रेंड्स। तो मैंने मेरी गोल्ड लिए हैं, गुलदाउदी और डैंथस लिए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इसका प्राइस मैं बताती हूँ। तो देखिए, ये जो गुलदाउदी है क्रिसेंथेमम, वो 40 रुपीज़ ईच पड़ा है मुझे, कि चूँकि कलियाँ आई हुई हैं फ्रेंड्स, बिना कली वाला वो 20 रुपीज़ में दे रहे थे, तो मैंने 5 प्लांट लिया है। काफ़ी हेल्दी प्लांट लग रहा है, तो इस सबको मुझे रिपोर्ट करना है, तो आज ही मैं सबको रिपोर्ट कर दूँगी फ्रेंड्स। और सभी प्लांट्स के लिए मैंने पॉटिंग सॉइल भी तैयार करके रखा है फ्रेंड्स। तो ये जो गुलदाउदी अब खिलने ही वाला है, तो रिपोर्ट करने के बाद मैं इसमें 1 सप्ताह के बाद मैं इसमें सरसों के खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी फ्रेंड्स। और जितने फ्लावर्स हैं सब पॉली बैग्स में लगे हुए हैं फ्रेंड्स, और देखिए काफ़ी कलियां आई हुई हैं, तो मुझे बहुत हेल्दी प्लांट लगा फ्रेंड्स, तो मैंने ले लिया। और भी बहुत सारे मेरे गुलदाउदी के प्लांट्स हैं, और जिसे मैंने कटिंग से ग्रो किया है, कुछ मदर प्लांट्स हैं, तो सब में भी कलियाँ आ रही हैं। गुलदाउदी एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स, अगर इसका सही देखभाल करेंगे तो मई तक फ्लावरिंग करते रहता है। बस फ्लावरिंग होते रहे उसे कट कर दीजिए और उसमें फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग मई तक होते रहती है। और देखिए, मैंने मेरी गोल्ड के 3 प्लांट लिए हैं और काफ़ी हेल्दी है, फ्लावर्स इसके देख रहे हैं बहुत अच्छे फ्लावर्स इसमें आए हुए हैं। तो पर प्लांट मुझे 20 रुपीज़ का पड़ा, तो मैंने 3 लिए, एक पीला वाला लिया है और 2 अफ्रीकन मेरी गोल्ड लिया है फ्रेंड्स। और बहुत खूबसूरत इसके फ्लावर्स लगते हैं, इनके बिना विंटर गार्डन अधूरा होता है, मेरी गोल्ड के फ्लावर्स के बिना। और सभी पॉली बैग्स में लगे हुए हैं फ्रेंड्स, तो काफ़ी हेल्दी प्लांट्स मुझे लगे, तो मैंने ले लिया। वैसे मेरे यहाँ गिलहरियाँ बहुत आतंक फैलाए रहती हैं और मेरी गोल्ड के सभी फ्लावर्स को खा जाती हैं। चलिए कोई बात नहीं, यह नेचर है। डैंथस के प्लांट मैंने लिए हैं, पर प्लांट मुझे 20 रुपीज़ में पड़ा है फ्रेंड्स। बस इतना ही मैंने फ्लावरिंग प्लांट लेके आई हूँ, बाद में जाऊँगी तो फिर लूँगी। और ये देखिए मस्टर्ड केक है फ्रेंड्स, तो यह बहुत ही ज़रूरी होता है, जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट हैं और वेजिटेबल्स हैं उसके लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स। इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए या पाउडरी फॉर्म में मिट्टी में दीजिए, दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद होता है और बहुत अच्छी तरह से इसमें फ्लावरिंग होती है, क्योंकि जाड़े में ठंड के कारण फ्लावरिंग कम हो सकती है, तो यह गर्माहट देता है प्लांट्स को और इसको बूस्ट करता है फ्लावरिंग करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे प्लांट को मैंने अब रिपोर्ट कर दिया। इसका वीडियो आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई फ्रेंड्स, इसके लिए सॉरी। और देखिए डैंथस को मैंने हैंगिंग बास्केट में लगा दिया है, हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स। और मैंने पॉटिंग मिक्स बना के रखा था, इसलिए मुझे आसानी हुई सबको रिपोर्ट करने में। तो देखिए, मैंने 3 मेरी गोल्ड को भी लगा दिया है फ्रेंड्स, और सारे गुलदाउदी के प्लांट्स को भी मैंने रिपोर्ट कर दिया है। अब सभी को उठा के मैं 2 दिन के लिए छायादार जगह पे रख दूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको सनलाइट में ला के रख दूँगी, तभी इसमें फ्लावरिंग होगी फ्रेंड्स। तो वाटरिंग भी कर दिया है फ्रेंड्स, तो वाटरिंग मैंने किया है इसमें साफ फंजीसाइड पाउडर को मिला के इसमें वाटरिंग कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग का भी मेरा काम हो गया। देखिए मेरा यह शूटिंग स्टार भी फ्लावरिंग कर रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।